साकू के दार तेज करने क्यों, जो श्रीमती रानी ने जो बीफ का व्यापार किया है गोवा में उसको काटने के लिए बेशर्मो। इस दिन रिलीज होगी पठान, पहला शो गुजरात में, ये बाजरंगदल वाले देख रहे हैं। जो मनोज तिवारी के समर्थन में खड़े हुए हैं भगवा पान के, छमक छमक छम बियर पी के नाचे लागी, वो क्या था लो। अंकिता भंडारी को कह दो कि एक्स्ट्रा सर्विस दे, भाजपा नेताओं को एक्स्ट्रा सर्विस दो तो कांड नहीं होगा। आवाज मोदी जी भीगी बिल्ली, बोलना ही नहीं, कुछ नहीं बोलना उनको। बाबर के टाइम पर लिखी गई रामचरित मानस पर मुसलमानों का विरोध नहीं किए तुलसीदास जी। कनकट लग गया, जर्मनी पोलैंड अमेरिका में टिकट फुल है, और इंडिया में भी गुजरात हिट जाएगी, बिल्कुल हिट जाएगी। पूछे क्यों, क्योंकि गुजरात में पहला शो बजरंग दल वाले देखेंगे। ये तो आस्था को ठेस पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि हम पिक्चर को देख के तय करेंगे कि इसमें क्या है, उसके बाद हम जाना लोगों को देखने देंगे, अगर सही होगा तो देखने देंगे, नहीं तो नहीं देखने। आपने अगर आपने वो न्यूज नहीं सुनी कि सारे थिएटर एक दिन के लिए बजरंग वालों ने बुक करा लिया, आपने देखा वो चीजों को। आप जिस दिन रिलीज होगी पठान, पहला शो गुजरात में, ये बाजरंग दल वाले देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम देखना चाहेंगे इस फिल्म को कि क्या कमियां हैं इसमें। समर्थन में है लेकिन पठान के, बड़ा बड़ा समर्थन का करे। अब एक बार अगर किसी ने भगवा पान के डांस किया हो तो हम मान भी ले। डुप्लीकेट हिंदू है वो सभी जो समर्थन में खड़े हुए हैं पठान के, और जो मनोज तिवारी के समर्थन में खड़े हुए हैं भगवा पान के, छमक छमक छम बियर पी के नाचे लागी, वो क्या था वो ठेस। ये तो वही वाली हाल है कि तुलसी शादी जी ने जिन्हें जो लिखा है कि जो लाइने आई है राम चितमानस में, जो बीत गई तो बीत गई, आज संविधान यहाँ सबको एक बराबरी दे दो, आज तो कोई एक बराबरी नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है, क्या बात कर रहे हैं। मोदी जी तो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं ना। मोदी जी सबका साथ देते हैं ना सबका विकास देते हैं। मोदी जी देते हैं 5 किलो राशन 2014 के पहले, कि हमारा लक्ष्य है, सपना है कि हम 80 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आवाज 5 किलो राशन देंगे तो क्या भाजपा के सारे नेता अपने बेटों को बाइकॉट कर दे, सड़कों पे छोड़ दे आत्मनिर्भर बनने के लिए, मान जाएंगे आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। बनाइए ऐसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत, फिर कैसे बनेगा आत्मनिर्भर हमारे लोगों को, सभी लोग रोजगार उत्पन्न करें, मांगने की जगह आत्मनिर्भर भारत इन जैसे लोगों के बयान के सुनने में बनेगा। बन तो रहा है आत्मनिर्भर, तलवार उठाओ काट दो। अब बता दीजिए गौरी कौन है, हिंदू या मुस्लिम, बताइए। बाबर के टाइम पर लिखी गई रामचरित मानस पर मुसलमानों का विरोध नहीं किए तुलसीदास जी, विरोध किसका करते हैं, दलित आदिवासी पिछड़ा। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा इन्होंने आपका, क्या बिगाड़ा है आपको। आस्था की बोली है, भगवत गीता का निष्काम कर्म बताइए, आस्था आस्था चिल्ला रही, बताइए भगवत गीता निष्काम कर्म योग क्या है। ये तो बीजेपी का कहना है, जनता की आस्था पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकारों ने माना कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, जनता की आस्था का ठेस पहुंचा है कि उनके चुनाव की आस्था में ठेस पहुंचा, वो लूट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दर्द की बात है, दिल्ली पुलिस एसआई शंभू दयाल अपराधी को काबू पाते हुए शहीद हुए, आखिरी दम तक लड़ते रहे और दिखा 50 से ज्यादा लोग वहीं खड़े होकर तमाशा दे, किसी ने उनकी मदद नहीं की, हम उनको सलाम करते। इसमें मुसलमान लड़के का नाम आया लेकिन उसका नाम हिंदू था, वो लड़का हिंदू था, इसको भी हिंदू मुसलमान बनने की कोशिश की गई। नरेंद्र मोदी अपने उस भाषण को याद करें 2014 में, 2014 के बाद के चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि बताओ मुसलमानों तुमको किससे लड़ना है, बताओ हिंदुओं तुम्हें किसके लड़ना है, बताओ तुम्हें किससे लड़ना है, तुम्हें महंगाई भ्रष्टाचार भी देश को अमीर बनाने के लिए समृद्ध बनाने के लिए लड़ना है। आवाज मोदी जी भीगी बिल्ली, बोलना ही नहीं, कुछ नहीं बोलना उनको। दलाल पत्रकारों का विकास, चाटुकारों का विकास, असत्यंता का सत्यानाश, राम राज में दूध मिला है किस राज में घी, चौकी रात के रात में चाय में जरा फूक फूक के पी, आपको संसारा दे रहे हैं। आप बताइए जिन हाथों में किताबें देनी चाहिए उनको त्रिशूल पकड़वाया जा रहा है। देखिए ये कौन भी है बेशर्म लोग जो हथियार पकड़ाते हैं लोगों को। देखिए साध्वी प्रज्ञा जी भी कह रही है कि चाकू की धार थोड़ी तेज कर ली जाए, कहे सब्जी बनाई है क्या भी कमरे में जाके खाती तो होटलों से मंगा के है, अब उनसे कहिए चाकू की धार तेज कर ले क्यों, जो श्रीमती रानी ने जो बीफ का व्यापार किया है गोवा में उसको काटने के लिए बेशर्मो दलालो, पूरी गाय खाई जा रही है सड़कों पे, रोज रोज कुत्ते खा रहे हैं उनको, आपको क्या पता।
कहने श्रद्धा जैसा हादसा ना हो इसलिए चाकू की धार तेज कर लो। अंकिता भंडारी को कह दो कि एक्स्ट्रा सर्विस दे, भाजपा नेताओं को एक्स्ट्रा सर्विस दो तो कांड नहीं होगा। भाजपा के नेताओं को सर्विस दो, उनके साथ रात गुजारो, शर्मा नहीं चाहिए बात हमें बोलने में, लेकिन ये चीजें कही गई है।